हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी अनाउंस होने वाली थी, जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में। 1,30,000 की ये वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है रेलवे बोर्ड द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2/2/19 यानी आज ही के दिन का ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, 19 फरवरी 2019 का है ये। तो यहाँ पे आप, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ कितनी है और इसका अप्लाई डेट कब से है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ए में नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी, जिसको हम NTPC के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंट है और TC है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, TA यानी ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। इसका जो वैकेंसी है ये लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन टेक्नीशियन, NTPC, पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, टोटल मिलाकर आपको लगभग 30,000 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल इस कैटेगरी के लिए 30,000 वैकेंसी है। वहीं बात करें लेवल वन पोस्ट के लिए, तो लेवल वन पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 1,00,000 है। आपको बता दें कि लेवल वन पोस्ट में आपको गुड्स गार्ड को भी आप ऐड कर सकते हैं। गुड्स गार्ड को ही लेवल वन पोस्ट में लाया जाता है। इसमें आपको हेल्पर असिस्टेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इत्यादि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की वैकेंसियाँ हैं, 1 में 30,000 और 1 में 1,00,000। और जो पहला आपको नॉन टेक्नीशियन यानी NTPC जो वैकेंसी है, उसका जो अप्लाई डेट है वो है 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी से ये अप्लाई शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पैरामेडिकल, जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल का जो अप्लाई डेट है वो 4 मार्च से शुरू होने वाला है। और जो नॉन, जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज है, स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का, उसका अप्लाई डेट है 8 मार्च। जी हाँ दोस्तों, आप 8 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं गुड्स गार्ड की बात करें तो गुड्स गार्ड लेवल वन पोस्ट के लिए अप्लाई डेट है, ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 12 मार्च से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे आप इस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है उसमें आपको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में, तो डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही अप्लाई, जिस दिन से ये अप्लाई शुरू होने वाला है यानी 28 फरवरी से, उस दिन आपके वेबसाइट पर आ जाएंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 28 फरवरी को आने वाली है, तो उस दिन आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको बता दें कि जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और OBC के लिए है, आपको 500 रुपये यानी 500 रुपीज़ है। और वहीं SC ST के लिए बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि NTPC के लिए 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं पे पैरामेडिकल के लिए 4 है, उसके बाद से मिनिस्ट्रियल के लिए 8 है, और आपको गुड्स गार्ड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मार्च है। तो इस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं या अपने अपने RRB बोर्ड पे भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम इस वैकेंसी को, बहुत बड़ी ही वैकेंसी है और इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी, तो इसलिए इस वीडियो पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि रेलवे से जुड़ी जो भी अपडेट मिले वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।